hope all of you are fine and safe at your home. Students, in previous video, we started our chapter number 4, air, and we learned about or discussed about the composition of air, structure of atmosphere, weather and climate, temperature and air pressure. Now today's topic is wind. Now the movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. कि जो मूवमेंट होता है हवा का हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ उसे हम विंड कहते हैं. यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट और अप रूट ट्री ड्यूरिंग अ स्टॉर्म. कि आप देखते हो कि विंड का काम कैसा है कि वो ब्लो करती है ड्राई लीव्स को, नीचे की तरफ गिराती है सूखी पत्तियों को, और कभी कभी बड़े बड़े पेड़ों को अपरूट कर देती है स्टॉर्म में. जब बहुत तेज तूफान आता है तो उसमें अच्छे जड़ वाले जो पेड़ है वो भी उखड़ जाते हैं और पत्तियां जो हैं वो नीचे की तरफ गिरती हैं. तो ये दो डिफरेंस यहां पर बताए गए हैं. समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक ऑन फाइन डस्ट. कि जब जेंटली हवा कभी कभी ब्लो होती है तो आप देख सकते हैं कि स्मोक को और जो फाइन डस्ट पार्टिकल है उसको भी वो अपने साथ उड़ाती है. नाउ एट टाइम्स विंड कैन बी स्ट्रांग दैट इट इज डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट. और जब कभी विंड जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है तब उसके अगेंस्ट में चल पाना भी बहुत मुश्किल होता है. सो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट इज नॉट इजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे. तो ये भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि विंडी डे में अम्ब्रेला को होल्ड करना भी बहुत मुश्किल होता है. सो थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रांग विंड्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू. नाउ विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स में डिवाइडेड होती है विंड. फर्स्ट है परमानेंट विंड. द ट्रेड विंड्स वेस्टर आइल एंड ईस्टर आइल्स आर परमानेंट विंड्स. तो इन परमानेंट विंड्स के क्या क्या नाम है स्टूडेंट्स? वेस्टर आइल विंड्स, ईस्टर आइल विंड्स एंड द ट्रेड विंड्स. दीज ब्लोस कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूरे साल भर ब्लो करती हैं. सेकेंड इज सीजनल विंड. दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स. अलग अलग सीजन्स में अलग अलग डायरेक्शन में बहती हैं. इसका एग्जाम्पल है मॉनसून इन इंडिया. एंड द थर्ड वन इज लोकल विंड. दीज ब्लोज ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया. कि ये जो विंड होती है वो किसी पर्टिकुलर पीरियड में या दिन में बहती है कोई स्मॉल एरिया में. जिसका एग्जाम्पल है लैंड एंड सी ब्रीज. सो यू रिकॉल दैट हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. नाउ इट इज कॉल्ड लू. नेक्स्ट टॉपिक इज मॉइस्चर. व्हेन वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर. कि जब वाटर रहता है वो इवापोरेट होकर लैंड से वाटर बॉडीज और दूसरी तरह की वाटर बॉडीज से वाटर वेपर बना लेता है. मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी. तो जब मॉइस्चर हवा में कभी भी मौजूद रहेगा उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर्स वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे. कि जब एयर में बहुत सारा वाटर वेपर होता है, फुल ऑफ वाटर वेपर्स होते हैं, तो उसको उस दिन को हम ह्यूमिड डे कहते हैं. एज द एयर गेट्स वार्मर. जैसे ही हवा जो है वो गर्म होती इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेस एंड सो इट बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड. तो उस समय पर जो एटमॉस्फेयर वो और ज्यादा ह्यूमिड हो जाता है. सो ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम अवर बॉडी डज नॉट इवापोरेट इजिली. तो ह्यूमिड डे में जो कपड़े रहते हैं वो जल्दी नहीं सूखते. दूसरा जो हमारी बॉडी में स्वेट होता है, पसीना होता है, वो भी इवापोरेट नहीं होता जल्दी. सो मेकिंग अस फील अनकंफर्टेबल. तो उस समय पर हम बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं. When the water vapor rises, जैसे ही water vapor rise होते हैं, it starts cooling. वो ठंडे होना शुरू कर देते हैं. The water vapor condense, causing formation of droplets of water. तो water vapor ठंडे होके condense form में अपने आते हैं और वो droplets का रूप ले लेते हैं. Clouds are just masses of such water droplets. जो clouds होते हैं आपको मालूम है कि वो उन छोटे छोटे droplets का एक mass होता है. When these droplets of water become too heavy to float in the air, then they come down as precipitation. तो उस समय पर जब वो पानी जो वाटर वेपर है वो ज्यादा हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स ज्यादा हो जाते हैं और क्लाउड्स जो है वो भारी हो जाते हैं, तब वो फ्लोट होने वो फ्लोट नहीं होते हैं, तब फिर वो नीचे की तरफ आते हैं प्रेसिपिटेशन का फॉर्म लेकर.
Then, like jet planes flying in the sky leave a white trail behind them. कि जब जेट प्लेन्स आसमान में ट्रायल लेते हैं तो उस समय पर वो अपने पीछे एक वाइट ट्रेल निकलती है उनकी. द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसेस, तो उस समय उनके इंजन्स का जो मॉइस्चर रहता है वो कंडेंस होता है. वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट. तो वो हम काफी देर तक देखते हैं आसमान में जब तक कोई एयर उसे डिस्टर्ब नहीं कर देती है. प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन. वो प्रेसिपिटेशन जो पहले वेपर वन की क्लाउड्स में गया उसके बाद वो हैवी होकर फिर नीचे आया उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं. तो प्रेसिपिटेशन जब नीचे आता है लिक्विड फॉर्म में अर्थ में तब उसका नाम होता है रेन. मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर. तो मोस्ट ऑफ जो जो ग्राउंड वाटर होता है जमीन में पाया जाने वाला पानी वो रेन वाटर से ही आता है. प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर. प्लांट भी हेल्प करते हैं वाटर को प्रिजर्व करने में. When trees or hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. तो जैसे आप जानते हैं कि जब हम ट्रीज को कट करते हैं hillsides के तो उस समय पे रेन वाटर जो है वो फ्लो होकर नीचे के बेयर माउंटेन्स में जाता है और जो लो लेइंग एरियाज होते हैं वहां पे फ्लड को कॉज करता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल. द कन्वेंशनल रेनफॉल, द ऑर्गेनोफिल रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल. हियर देयर आर द पिक्चर टू डिस्क्राइब बोथ द रेनफॉल. देयर इन फर्स्ट पिक्चर देयर आर साइक्लोनिक रेनफॉल, इन नेक्स्ट मॉइस्ट एयर रिलीव ऑर्गोफेरिक रेनफॉल एंड द थर्ड इज कन्वेंशनल रेनफॉल. सो हियर रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. रेनफॉल बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए. सो इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सर्फेस. इफ रेनफॉल इज लेस वाटर स्कैसिटी एंड ड्राउट अकर. सो ऑन द अदर हैंड इफ इट इज मोर फ्लड टेक्स प्लेस. कि अगर पानी की कमी होगी, रेनफॉल नहीं होगा तो पानी की कमी होगी, सूखा होगा, लेकिन अगर ज्यादा हो जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी. Here students, the fact you know about that other forms of precipitation are snow, sleet and hail. ये दूसरे forms हैं precipitation के जो आसमान में जब vapors जमा हो जाते हैं उसके बाद वो जब नीचे आते हैं तो वो इन forms में भी आते हैं. So students, here we complete our explanation of chapter number 4, air. So you have to read it and try to find the answers of exercise questions.